मिलावटी देसी घी, दूध और तेल की पहचान करें ऐसे, तो आजकल आप लोगों को पता है, आज मैं आपके पास ऐसे तरीके लेकर आई हूँ जो आपके घर पर देसी घी आते हैं या फिर तेल आता है या फिर दूध आता है, सरसों का तेल अब इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, फिर भी जो है मिलावटी वाला तेल आता है, तो देसी घी के घर पर कैसे पहचान करें, इन तीनों सामान की आप कैसे पहचान कर सकते हैं घर पर आसान तरीकों से, और घर पर ही पहचान सकते हैं कि जो आप सामान घर पर खा रहे हैं वो मिलावटी है फिर शुद्ध है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के घी है, देसी घी, तो मैं एक को जो है पानी में डाल रही हूँ और दूसरे को जो है पानी में डाल रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दूसरे को भी जो मैं पानी में डाल रही हूँ यहाँ आप देखिए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे, आप पहले वाले में फ़र्क देख सकते हैं, दूसरे वाले में भी जो आप फ़र्क देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पर फ़र्क देख सकते हैं। ये जो घी है यहाँ पर, ये जो हमने दोनों देसी घी डाले हैं यहाँ पर, ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, ऊपर की तरफ ही है, लेकिन जो ये वाला देसी घी हमने डाला है ये जो है नीचे ही बैठ चुका है, नीचे बैठ चुका है, और ये जो घी है लेकिन ये जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, इसको घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं कि देसी घी असली है या नकली। अभी मैं आपको दूध की भी पहचान बताऊंगी कि दूध जो इतना महंगा हो चुका है, इसमें लोग पानी की मिलावट करते हैं या फिर और केमिकल्स की मिलावट करते हैं, उसे घर पर कैसे पहचाने। ये जो है इस वजह से तैर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के घी मिलाए हुए हैं, अलग अलग तरह के सामान मिलाए हुए हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कि आलू का रस मिलाया हुआ है, आलू या फिर शकरकंदी होती है उसे मिलाए जाते हैं, जिस वजह से जो है ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको सेकंड टेस्ट दिखा रही हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के देसी घी है, और उसको आपने कैसे टेस्ट करना है जिससे जो आप श्योर हो जाए कि जो आपके घर पर घी आ रहा है वो केमिकल वाला है या फिर शुद्ध देसी घी है, तो आपको क्या करना है, आयोडीन टिंचर आप सभी को पता ही है वो आपने लेना है, और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 से 3 बूंद इस देसी घी के अंदर डालूंगी और इसके अंदर डालूंगी। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 बूंद यहाँ पर आपने डालनी है, उसके बाद जो है आपने इसे धीरे धीरे करके इसे मिक्स करना है, धीरे धीरे आप इसे मिक्स कीजिए, तो आपको जो है इसका कलर आपको अलग दिखाई देगा, ब्राउनिश या ब्लैक सा जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये देसी घी जो है, ये आपने कलर देख लिया। अब मैं इसको जो है मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये येलोइश कलर है, जो हमने इसके अंदर आयोडीन टिंचर डाला है उसकी कलर उसकी वजह से जो है इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो आप देसी घी देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल ब्राउनिश शेड इसके ऊपर आ गई है, तो ये जो है नकली देसी घी है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कैसे जो देसी घी है उसमें मिलावट करी जा रही है, और ये जो अब मैं आपको बताऊंगी कि दूध की कैसे पहचान करें कि असली है या नकली। तो सबसे पहले आम सा तरीका है, आपने जो है कोई भी ऐसे बोर्ड लेना है या कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी दूध जो है वो डालना है, उसके बाद आपने दूसरा दूध डालना है इसके ऊपर, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जो ये वाला हमने डाला है, ये वाला जो दूध हमने डाला है ये बिल्कुल गाढ़ा है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया और बहुत ही आराम आराम से नीचे आया है, लेकिन जो ये वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमने दूध यहाँ पर डाला है ये जो है बहुत ही जल्दी नीचे चला गया है, और इसका जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है। इससे आप पहचान सकते हैं कि दूध में पानी की मिलावट है या फिर आलू का जो पानी होता है उसमें मिलावट, उसकी मिलावट है या नहीं। उसके बाद इसका एक और तरीका है पहचानने का, फिर से हम आयोडीन टिंचर लेंगे, और लोग जो है इसके अंदर नकली दूध के जो पैकेट आते हैं वो भी मिलाते हैं, जिस वजह से इनका जो रंग है वो गाढ़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आयोडीन टिंचर लेना है और 1 से 2 बूंद जो है इसके अंदर डालनी है, उसके बाद आपने दूसरा दूध जो हमारे पास है इसके अंदर भी डालनी है। आपने आप यहां पर खुद देख पाएंगे कि जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपको खुद दिखाई देगा कि जो इसका कलर है वो जो है धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है इसके अंदर भी आयोडीन टिंचर डाला है और इसके अंदर भी जो है हमने आयोडीन टिंचर डाला है, लेकिन जो ये वाला दूध है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो आप दूध देख रहे हैं इसके अंदर जो है धीरे धीरे कलर चेंज आ रहा है। उसके बाद मैं अभी आपको तेल भी बताऊंगी कि आपने तेल में है कैसे आपने, आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे जो है इसका कलर अब जो है ब्लैकिश ब्लैकिश हो चुका है। ये देखिए आप खुद यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमने इसके अंदर आयोडीन टिंचर डाला था ये ब्लूइश और ब्लैकिश कलर का हो गया है, तो आप जो है इससे पहचान सकते हैं ये जो हमने इसके अंदर डाला है या फिर ये दूध असली है या नकली। तो आगे आ जाते हैं हम तेल के ऊपर, तेल जो है आजकल बहुत
बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है और सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है, आपके हर एक खाने में जो है ये यूज़ होता है, तो आप जो है पहले ही इसका जो है अंतर देख सकते हैं इसके अंदर, आप जो है इसकी विजिबिलिटी में फ़र्क देख सकते हैं। जो अच्छा तेल होएगा, हमने इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में रखा था, डीप फ्रीज करा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो विजिबिलिटी है, जो आप ये देखने में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल डार्क डार्क है, गाढ़ा गाढ़ा है, और ये जो है बिल्कुल आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई भी ब्लर इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे, इस वाले तेल को, ये जो है जम चुका है, अंदर से जो है ये जम चुका है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप जो है इसको नीचे वाली परत को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप इस वाले तेल को देखते हैं तो आप जो है इसकी नीचे वाली परत को देख पा रहे हैं, तेल के अंदर से आप देख पा रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टेस्ट जिनसे आप जान सकते हैं कि जो आपके घर में सामान यूज हो रहा है, जैसे कि देसी घी या फिर दूध या फिर तेल, उनको आप कैसे पहचानें कि उसके अंदर आलू के पानी की या फिर स्टार्च की या फिर पानी की मिलावट है या नहीं। धन्यवाद।